पूर्व में युवावर्ग नहीं बल्कि नाबालिग भी नशे की गिरफ्त में है, जहां मेडिकल स्टोर और हुक्का बार में नशीली दवा का सेवन करने की सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जहां काफी मात्रा में नशीली पदार्थ जब्त किए गए। कोरबा के अलग अलग थाना चौकी इलाके में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने हुक्काबारा मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान काफी मात्रा में नशीली पदार्थ समेत आधा दर्जन संचालक पकड़े गए। कोरबा डीएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बालको उड़गा और कोतवाली इलाके में कार्रवाई की गयी। इस दौरान भारी मात्रा में हुक्काबार से नशीली पदार्थ बरामद किया गया। शहर के हुक्काबारा मेडिकल से नाबालिग छात्र छात्रा नशीली दवा का सेवन करने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। इस सूचना पर शहर के अलग अलग थाना चौकी पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। सिटी मॉल में होली पाइप्स रेस्टोरेंट के नाम से संचालित है, जहां सार्वजनिक स्थान पर हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था। यह संचालक इससे पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि हुक्का बार में कार्रवाई के दौरान नाबालिग भी पकड़े गए थे, जिनके पालकों को बुलवाकर समझाइश देकर छोड़ा गया। पुलिस के छापामार कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन से अधिक युवक नशे की हालत में पकड़े गए, वहीं कुछ नाबालिग भी शामिल थे, जिनके परिजनों को बुलाकर पुलिस ने समझाइश देकर छोड़ा।